नवेडियों की हवा में उछालते रहना, गुलों की खुशबू पे तुम तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊँगा, तुम आसमान में से कीड़े निकालते रहना। ये शायरी है राहत इंदौरी साहब की। आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में, कि आप अपना आत्मसम्मान कैसे संभाल सकते हो, और अगर कोई आपके आत्मसम्मान को बार बार गिरा रहा है तो आपको कैसे अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहिए और उसको जवाब देना चाहिए। तो मैं हूँ आपका होस्ट एंड स्पीकर हुसैन लाइट वाला। चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी कभी आपको आपके आत्मसम्मान को गिराना पड़े, रिश्तों में समझौता करना पड़े अपने आत्मसम्मान के साथ, तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी ना कभी आपको रिश्तों में कभी ना कभी थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हर बार आपको ही आपके आत्मसम्मान को गिराना पड़ रहा है तो आपको चेत जाने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि हर बार मैं ही क्यों मेरे आत्मसम्मान को गिराता हूँ, और आपको वो रिश्ता छोड़ देना चाहिए। वो आपका रिश्ता कैसा भी हो, अच्छा चल रहा हो बुरा चल रहा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो रिश्ते में आपका आत्मसम्मान गिर रहा है तो आपको वहीं पे वो रिश्ता छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे ज़्यादा चांसेस है कि और आपका आत्मसम्मान गिर सकता है। जितने भी बड़े आदमी हुए, महापुरुष हुए, महान लोग, सक्सेसफुल लोग हुए दुनिया में, सब लोग अपने आत्मसम्मान को अपने साथ में लेके चले, और आत्मसम्मान एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आत्मसम्मान से ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप जीवन में आगे बढ़ते हो। तो हमेशा याद रखिए कि आत्मसम्मान को कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। जितना हमारे शरीर के लिए प्यार ज़रूरी है, उतना ही हमारे शरीर के लिए आत्मसम्मान भी ज़रूरी है, और आत्मसम्मान आपके जीवन में आपको आगे पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितने भी आप बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस, जिसे बिजनेस टाइकून कहा जाता है, इन लोग ने बिजनेस में ऊंची से ऊंची उपलब्धियां प्राप्त की है, तो ये क्यों इतने ऊंचे पहुंचे? क्योंकि इन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना आत्मसम्मान और अपनी इज्जत को हमेशा अपने पास रखा और हमेशा मेहनत करते रहे। मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, तो हमेशा याद रखिए। और ईगो और आत्मसम्मान में बहुत फ़र्क होता है, तो ईगोइस्टिक नहीं बनना आपको, ईगोइस्टिक नहीं बनना आपको, बनना है कि मैं आत्मसम्मान को मेरे बचा के रखूँ, बस ये चीज़ याद रखिए। ऐसा कुछ करिए कि जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। ईगोइस्टिक या अहंकारी बनना नहीं है आपको। और याद रखिए, जो जो अपना आत्मसम्मान बचा के रखता है, अपने आत्मसम्मान की हिफाजत करता है ना, वो आगे जाके एक बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो हमेशा याद रखिए कि आत्मसम्मान को अपने साथ रख के ही आपको आगे बढ़ना है। और आत्मसम्मान में कभी ना कभी हमको कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है कि आपको बार 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 कोई ना कोई आपके आत्मसम्मान को गिरा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? तो मैं तो बोलूँगा कि जब पहली बार आपके आत्मसम्मान को कोई गिराता है ना, तो वहीं पे आपको वो बंदे या बंदी को, मतलब लड़के या लड़की को रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहली बार में ऐसे तेवर बता दिए तो वो भविष्य में कभी भी आपके आत्मसम्मान को वापस हर्ट नहीं करेगा, और आपको ये चीज़ आपके आत्मसम्मान को नीचे गिराने से बचा के रखेगी। तो याद रखिए, जीवन में कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपके आत्मसम्मान को कोई नीचे गिरा रहा है, तो पहली बार में ही उसको रोक दो, उसको ज़्यादा आगे मत जाने दो, क्योंकि जैसे ही आप उसको ज़्यादा आगे जाने दोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको और से और बुली करेगा, और से और आपको परेशान करेगा, जिससे कि आपकी सहने की शक्ति एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इंसान एक पॉइंट तक ही सह सकता है, एक पॉइंट के बाद आप सह नहीं सकते, और जैसे ही आपकी सहने की शक्ति खत्म हो गई तो आप गुस्से में कुछ ना कुछ उसको जवाब दोगी। इससे बचने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब कभी भी आपके आत्मसम्मान को पहली बार नीचे गिराया जा रहा है, तभी उस बंदे या बंदी को, उस लड़के या लड़की को वहीं पे रोक दो, क्योंकि अगर नहीं रोकोगे तो आपको और परेशान करेगा और आपके आत्मसम्मान को और नीचे गिराएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको लोग हल्के में लेने लगेंगे। अगर वो आदमी आपको एक बार नीचे गिरा रहा है, चांसेस है कि कल पब्लिक के सामने भी आपको वो आपके आत्मसम्मान को नीचे गिराए। ये चीज़ होगी ही होगी, ज़्यादा चांसेस है कि कल वो आपके आपकी मजाक पब्लिक में बनाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पब्लिक में गिराएगा, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई आपको हल्के में ले, उससे पहले ही उसको वहीं पे रोक दो और वहीं पे आपके आत्मसम्मान को बचा लो, और आपके आत्मसम्मान को बचाना आपके ही हाथ में, कोई और नहीं आएगा आपके आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तो आप ही हो जो आपके आत्मसम्मान को बचा सकता है, तो आपके आत्मसम्मान को बचाओ, और जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। और लास्ट में मैं एक चीज़ बोल के ख़त्म करना चाहूँगा कि ज़िद है तो ज़िद ही सही, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं।
शुक्रिया। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे से वन ऑन वन कॉल पे बात करना चाहते हो, अगर वन ऑन वन कॉल पे सेशन बुक करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे चार्जेस और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए, वहाँ पर जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरे से पेड सेशन बुक कीजिए, जिससे कि हम वन ऑन वन बात कर पाएंगे। शुक्रिया।